हमारी ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना समय गवाए पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा करें, और इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग है कि वह जम्मू कश्मीर में जंबो कोविड के वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले, और जम्मू शहर में हमारी ये मांग है कि एमएम स्टेडियम को मिनी स्टेडियम परेड, रणबीर सिंह हाई स्कूल और बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स को जंबो सेंटर्स बनाया जाए, और इसके साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि सेना की मदद ली जाए, और साथ में जो स्प्रेज जम्मू शहर में हो रही है उसमें ये शिकायतें आ रही हैं कि उसमें डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स ठीक से नहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि जम्मू में सैनिटाइजेशन तमाम वार्डों में होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोरोना को नियोता देते हुए और ऐसे अहम जगह के ऊपर यहाँ पे कि क्या हाल बना हुआ है, ये चिंता का विषय है और कोरोना को नियोता दे रहा है। और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री बिना समय गवाए पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा करें, और इसके साथ साथ जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स जम्मू में खोले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जाएं, क्योंकि 18 और 45 साल के बीच के नौजवानों को और उससे ऊपर के नौजवानों को बेहद मुश्किलें आ रही हैं, और जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो एमएम स्टेडियम में, परेड के मिनी स्टेडियम में, रणबीर सिंह हाई स्कूल में और बड़े बड़े जगह के ऊपर, ताकि लोगों को ऑन स्पॉट जाने के ऊपर टीकाकरण हो सके। ये हम दौरा करने आए थे आज सरवाल अस्पताल में, तो ये देख रहे हैं हम कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे और क्या सही व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ों का जायज़ा हम ले रहे हैं, और आप भी देख लीजिए कि हमारी आज की जो मांगे हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देश के प्रधानमंत्री जी से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब से ये मांगेंगे कि जम्मू कश्मीर में लोग अब आर्थिक मंदी का शिकार होना शुरू हो गए हैं, तमाम लोगों को जिसके पास भी राशन कार्ड्स हैं उन्हें मुफ्त में राशन डिपोज के ऊपर राशन दिया जाए। नंबर दो, ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारियों की जिनकी दुकानें बंद हैं, मेटाडोर, मिनी बसेस, ऑटो रिक्शास के ड्राइवर कंडक्टर्स को आर्थिक सहायता की जाए, और इसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि बैंक्स के इंटरेस्ट जो हैं वो भी व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों के ऊपर माफ़ किए जाने चाहिए।